आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मऊ जनपद की सीमा पर मुबारकपुर विधानसभा के गोछा गांव में जन विश्वास यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। मऊ आजमगढ़ जनपद की सीमा पर आबाद मुबारकपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत गोछा में मंगलवार को सायंकाल गाजा बाजा ढोल नगाड़ा के साथ पुष्प वर्षा कर मंडल अध्यक्ष दिवाकर सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया। आगामी चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। भाजपा 19 दिसंबर से पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा निकालकर जनता को लुभा रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया। जन विश्वास यात्रा के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री श्री राम चौहान, भूमि विकास चेयरमैन संतराज यादव, जयप्रकाश निषाद यात्रा के साथ साथ थे। इनके अलावा भाजपा नेता ध्रुव सिंह, राकेश सिंह महुआरी, दिवाकर सिंह, लक्ष्मण मौर्य पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मुबारकपुर, हरेंद्र सिंह, सूरज सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ रीना राव की खास रिपोर्ट। खर्चे दे दिए पूरा। दिवाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, किसान मोर्चा। आज जो ये यात्रा निकल रही है, इसके लिए क्या तैयारी, किस तरह से तैयारी है? यह यात्रा माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के विश्वास की यात्रा है, संकल्प की यात्रा है, विकास की यात्रा है। जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भारत का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश का भी विकास हुआ है, उसके जन जन को बताने के लिए, जन जन के सम्मान की रक्षा के लिए, जन जन का विश्वास अर्जित करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा से हमारे जो भी भाई आएंगे, यात्रा में शरीक होंगे, सारे लोग मोदी जी की नीतियों को, योगी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। यह यात्रा सरकार के विकास, जितने विकास हुए हैं उस पर फोकस करेगी। सरकार में जो विकास का कार्य किया है, जो अपराध मुक्त किया है, जो गंगा बहिए विकास की, जो नेशनल हाईवे बने हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, और जितनी योजनाएं हैं, पॉलिटेक्निक, ITI की तो बात है, जो स्वास्थ्य के संबंध में जितनी सुविधा दिया गया, कोरोना जैसे महामारी को जैसे रोक दिया गया है, भारत से भगा दिया गया, संपूर्ण रूप से भारत से भगा दिया गया, ऐसा नेतृत्व माननीय योगी जी के नेतृत्व में संभव हुआ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ। यह वैक्सीनेशन कार्य, इतना बृहद वैक्सीनेशन कार्य जिसका पूरा विश्व ने सराहना की है, और पूरे विश्व में माननीय योगी जी के कार्य की भी सराहना हुई है कि मोदी जी के साथ माननीय योगी जी कितने बड़े वैक्सीनेशन कार्य को कराए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। कहीं कोई महामारी नहीं आएगी, अब भारत में महामारी आएगी तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।